हाँ तो भाई कैसे हो आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ आपका भाई अर्जुन राठौड़ और स्वागत करता हूँ भाई आपका आज के इस वीडियो में। तो भाई आज के दिन में ये अपना दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था वो मॉडिफिकेशन का डाला था, आई होप आपने देख लिया होगा भाई। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अपनी जो बाइक है होंडा S125, उसमें मेरा अपाचे ग्राफिक्स लगाए गए हैं और वो वीडियो मैंने अभी जस्ट पहले ही डाला है। काफ़ी अच्छा वीडियो है, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स है, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल आज के वीडियो में क्या होने वाला आपको बता देता हूँ भाई। आज अपन जा रहे हैं सर्विस के लिए। जैसा कि आपको पता है कि अपनी बाइक चल चुकी है 9000+, 9000 से ऊपर चल चुकी है और इसकी थर्ड सर्विस का टाइम आ चुका है। तो सर्विस सेंटर चलते हैं भाई, सर्विस करवाते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आ रही थी, आपको पता है, यहाँ पे देखो ये आज फिर से थोड़ा सा ऑयल निकल गया भाई इधर। तो भाई ये ऑयल वाली प्रॉब्लम भी अपने को सॉल्व करवानी है, तो जल्दी सर्विस सेंटर चलते हैं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि थर्ड सर्विस में कितना क्या खर्चा होगा, जो भी खर्चा होगा सारा आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से भाई सर्विस सेंटर चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको इस टाइप के बाइक के वीडियो देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि इस टाइप के बाइक के वीडियो आपको आगे मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जल्दी सर्विस सेंटर चलते हैं भाई। और अब आपको मैं सीधा मिलूंगा भाई सर्विस सेंटर पे। तो भाई फाइनली अपन सर्विस सेंटर पे आ चुके हैं, यहीं पे अपने सतनाम होंडा पे, और यहाँ पे ही अपनी बाइक खड़ी कर दी अपन ने। एक बार आपको बाइक दिखा देता हूँ मैं। और अभी अपने टोटल किलोमीटर हुए भाई 9268 और सर्विस के लिए मैंने रख दिया यहाँ पे। और ये जो प्रॉब्लम थी ना भाई, ये वाली, ये मैंने इनको बता दी है, कह रहे कुछ सील वगैरह कटी हुई हो सकती है, तो चेक कर लेंगे भाई। और बाकी आज बाइक में काफ़ी खर्चा होने वाला है, इसमें ऑयल फिल्टर वगैरह, एयर फिल्टर सब मैं चेंज करवा रहा हूँ और कुछ अलग से इसमें एडिटिव भी डाले जिससे बाइक थोड़ी सी अच्छी चलती है, और चेन ल्यूब, चेन क्लियर सब कुछ करवा रहा हूँ। तो बिल आज थोड़ा सा बड़ा बैठने वाला है, बाकी जो भी होगा वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर काफ़ी सारी बाइक्स है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने को। हाँ तो भाई यहाँ पे अपनी बाइक का ऑयल चेंज हो रहा है अभी, ये पुराना वाला ऑयल निकाल दिया है। और जो प्रॉब्लम आ रही थी ना भाई अपने को यहाँ पे ऑयल लीकेज की, वो भी अपने को भाई सॉल्व हो गई है, यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई से पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम, न्यूट्रल स्विच खराब कर दिया। क्या खराब था? न्यूट्रल स्विच। और ये खराब कैसे हुआ ये भी बता दे। ईंट मार के गर्म सील फट जाती है, जब बाइक ज़्यादा गर्म होती है तो सील फट जाती है। तो भाई जैसा कि अपन आपको पता लॉन्ग राइड पर चलते रहते तो अपनी बाइक तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और इसी वजह से ये खराब हो गई। खास दिक्कत तो नहीं है ना भाई? नहीं, हो जाएगी सही। और ये खर्चा कितने का भाई अपना इसका? 50 रुपये का, सिर्फ 50 रुपये का। तो भाई 50 रुपये में ये देखो, ये नया आइटम है कुछ, ये न्यूट्रल स्विच ना भाई, तो न्यूट्रल स्विच डलेगा ये यहाँ पे। और ये रीज़न ये है भाई इसका कि बाइक ज़्यादा गर्म होती है ना तो ये ख़राब हो जाता है। आपको पता है कि मैं ऑफ रोड वगैरह भी चलाता हूँ और लॉन्ग राइड भी करता हूँ, तो यार अपनी बाइक गर्म हो ही जाती है, इसी वजह से दिक्कत हुई थी भाई। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, 50 रुपये खर्चा है, सही करवा लेते हैं। तो भाई फाइनली अपनी बाइक में ये स्विच इन्होंने डाल दिया इधर, और अभी ऑयल चेंज करेंगे। ऑयल अपने में बाइक में ये डलने वाला है 5W30, और अभी इनके पास यही भाई अवेलेबल था तो ये डलवा रहा हूँ मैं। वैसे 10W30 भी डलता है इसके अंदर, जो अभी खाली तो ये डलवा रहे। और इसी के साथ भाई आज दो और नई चीज़ें इसके अंदर ये डाल रहा है मेरा भाई, ये दोनों चीज़ें। तो इससे तो भाई क्या होता है कि बाइक में हीटिंग होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी और इससे थोड़ा सा पिकअप इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर किसी भाई की बाइक में दिक्कत आ रही है हीटिंग की तो भाई ये इसमें डलवा लेना एक बार, ये जो चीज़ है। इसका अलग से पैसा लगेगा लेकिन बाइक में थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। क्यों भाई, सही है ना? ठीक है। दोनों का क्या मतलब है? ये लाल वाली किसके लिए? इंजन के लिए। इंजन के लिए ना, हीट कम करेगा। और ये ब्लैक वाली? ये टंकी के लिए। ये फ्यूल टैंक में डलेगा? तो ये फ्यूल टैंक में डलेगा या फिर कहाँ डलेगा? ये फ्यूल टैंक में डलेगा। तो ये भाई फ्यूल टैंक में डलेगा और ये इंजन ऑयल में डलेगा। तो भाई मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ इन दोनों चीज़ को, इससे पहले मैंने यूज़ नहीं किया है। और देखते जैसा भी रिव्यू रहेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। देख, और भाई यहाँ पे देखो ये भाई कितना खतरनाक निशानेबाज है, बिना कुछ लगाए भाई यहाँ पे इसने ऑयल पूरा इसके अंदर डाल दिया है। बाकी लोग तो यार वो एक कटोरी से लगाते हैं, इसने देखो यार पूरा ऑयल चेंज कर दिया है बिना कुछ लगाए। काफ़ी शानदार सर्विस करता है ये लड़का यार। तो भाई अभी अपन ने एयर फिल्टर ओपन कर लिया है, यहाँ से एयर फिल्टर निकाल लिया भाई ने, और ये अपना एयर फिल्टर तो अभी तो ठीक ही लग रहा है भाई। क्या बोलता है, चेंज करें? नहीं भैया, नहीं करना। कितने दिन और चल जाएगा ये? चल जाएगा दो सर्विस तक। दो सर्विस तक अपन एक सर्विस और चलाएंगे बस इसको। तो भाई अभी तो चला देते हैं, नेक्स्ट जो सर्विस करवाएंगे उसमें इसको चेंज करवा लेंगे। एक तरफ से देखो भाई ऐसा हो गया, दूसरी तरफ से बिल्कुल नया है, तो फिलहाल काम चल जाएगा इससे। भाई बोल रहा चेंज मत कराओ, तो अभी चेंज नहीं करवाते, नेक्स्ट सर्विस में चेंज करवा लेंगे। और वैसे इसकी कॉस्ट कितनी है भाई? 200 रुपये ना। तो 200 रुपये का भाई, तो अभी ज़रूरत नहीं है तो वापस डाल देते हैं, डाल दे भाई वापस। तो भाई फाइनली जो लास्ट काम बचा हुआ था अपनी बाइक में चेन क्लीन का और लुब्रिकेंट का, वो अभी हो रहा है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले ये क्लीन हो रहा है ना भाई? हाँ भैया। तो पहले क्लीन हो रहा है और उसके बाद लुब्रिकेंट हो गया इसके अंदर। और इसका कॉस्ट बैठता था 80 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, तो भाई 80 रुपये लगता है, लेकिन
ऑयल और ग्रीस से दोनों से यार 10 टाइम बेटर है। तो अगर आप भी सर्विस करवाते हो तो करवा सकते हो भाई, चेन में थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा। तो क्लीनिंग के बाद यहाँ से हवा से प्रेशर डाल के साफ कर रहे हैं भाई, इधर तो पूरी चेन क्लीन हो जाएगी और उसके बाद लुब्रिकेंट डालेंगे इसके अंदर भाई। तो भाई क्लीनिंग के बाद अभी हो रहा है लुब्रिकेंट यहाँ पे। तो भाई अगर आप भी सर्विस करवाते हो तो लुब्रिकेंट करवा सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। सिर्फ 80 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन चेन भाई बिल्कुल मस्त वाली क्लीन हो जाएगी, ये देखो। तो भाई ये बस लास्ट काम है और उसके बाद सीधा भाई बिलिंग होगी। अब बाकी सारा काम हो चुका अपनी बाइक का, तो लुब्रिकेंट के बाद बिलिंग करवाते हैं और देखते हैं भाई आज कितना खर्चा हो गया अपनी बाइक में। हाँ तो भाई फाइनली अपनी बाइक की सर्विस पूरी हो चुकी है और जो बिल बना अपना भाई वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये जो बिल है ना भाई, अपने जितनी भी सर्विस हुई, लास्ट की 2 सर्विस हो चुकी है और ये थर्ड वाली है, तो सबसे ज़्यादा जो बिल बना भाई अपना इसी बार बना है। और क्यों बना है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, इस बार जो काम करवाया थोड़ा सा मैंने ज़्यादा करवाया है और इसी वजह से बिल बना भाई। और इसी के साथ भाई अपनी जो फ्री सर्विस आती है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जब भी शोरूम के अंदर अपन आएंगे तो सर्विस का चार्ज लगेगा। और सर्विस का चार्ज कितना भाई है? 390 रुपये। 390 भाई कंफर्म नहीं है अभी तक इसको, 380 है। 90 अरे मतलब मान लो, ये मान लो 380 390 400 मान लो, उसमें सब कुछ शामिल हो जाएगा। तो भाई फ्री सर्विस ख़त्म हो गई है और अब की बार जो सर्विस की थी इस भाई ने की थी अपनी, काफ़ी अच्छी सर्विस की है। बाकी चलाएंगे बाइक को, कुछ छोटी मोटी कोई दिक्कत लगी तो दोबारा फ्री में सही कर देगा। और भाई जो 2 अलग से चीट डाली थी 196 रुपये की, वो इस भाई ने सजेस्ट की थी। और इंजन के हीट से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो उसमें थोड़ा सा सही रहता है वो। तो भाई ये सब कुछ, आज की सर्विस बिल्कुल अच्छी हो गई है और सेटिस्फाई है बिल्कुल। अपन फिलहाल घर चलते हैं भाई, और आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और भाई जयपुर से अगर आप हो और होंडा की बाइक या स्कूटर कुछ आपके पास है तो यहाँ पे सतनाम होंडा पे सर्विस करवा सकते हो भाई, काफ़ी अच्छा सर्विस सेंटर। लाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।